many pieces up back together now. What's your vision? हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है एक बार फिर एक नए वीडियो में। और फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक काफी अच्छा होने वाला है। जो मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी, फनकी जोकर वापस आ गया है, रिकवर, उनका चैनल जो रिकवर हो चुका है, चैनल हैक हुआ था, ये बात सही थी। और मेरा वीडियो बनाने का पर्पज ये था कि किसी तरीके से हम जैसे जो है छोटे क्रिएटर्स और ज्यादा वीडियोज बनाए कि नेक्स्ट टाइम किसी का चैनल हैक ना हो, किसी का चैनल डिलीट या सस्पेंड ना हो। क्योंकि हमें अपनी आवाज बुलंद करनी थी। हमारी एक जो YouTube फैमिली है, काफी अच्छा वर्क यहाँ पे अपनी जो है अपना प्रोफेशन दिखाया जाता है, अपना टैलेंट यहाँ पे दिखाया जाता है। तो मैंने जो है रिसेंटली एक वीडियो पब्लिश की थी, तो मैं इस वीडियो में आगे आपको बताऊंगा कि मेरी वीडियो का गलत मतलब क्यों निकाला गया, क्या वजह थी। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी फनकी जोकर के ऊपर, जो शायद मेरे जैसे पता नहीं कितने क्रिएटर्स ने यूट्यूब के अंदर बनाई थी ताकि उनका चैनल वापिस आ जाए, जिनके 1 मिलियन सब्सक्राइबर है। प्रैंक चैनल था, आपको पता ही होगा फनकी जोकर के नाम से एक प्रैंक चैनल था, काफी मेहनत करते थे। उनका रिसेंटली एक चैनल हैक हो चुका था जिनके 1 मिलियन सब्सक्राइबर थे। वो क्यों हैक हुआ, ये आवाज हमें उठानी थी और हमें यूट्यूब तक भेजनी थी। मेरे जैसे पता नहीं कितनी जो है यूट्यूबरों ने इतनी वीडियो बना दी जिसने फनकी जोकर का नाम या आयन जोकर का टैग कहीं पे भी यूज कर लिया, अपने डिस्क्रिप्शन में कर लिया, अपने थंबनेल में या टैग्स में, कहीं पे भी उन्होंने आयन जोकर या फिर मैं हूं जोकर, पता नहीं कि फनकी जोकर के नाम से जो भी टैग यूज कर लिया, उनकी वीडियो वायरल हो गई। उनके चैनल जो है स्टार्टिंग से, जैसे मैंने आज वीडियो बनाई फनकी जोकर की, पहली मेरे चैनल की वीडियो थी, वो रैंक कर गई और मेरे जो है 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए, मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हो गया, तो मुझे और क्या चाहिए। लेकिन जिसका चैनल हैक हुआ, जिसका चैनल डिलीट हुआ, हमने उसके ऊपर वीडियो बनाई थी क्योंकि हमारा मतलब ये था कि हमारी ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस यूट्यूब तक पहुंचे और हम जैसे जितने भी छोटे क्रिएटर्स हैं वो अपनी ऐसी वीडियोस बनाए कि चैनल हैक क्यों हुआ, चैनल हैक हुआ, रिकवर हुआ, ऐसी बहुत सी वीडियोस आपको यूट्यूब के अंदर रिसेंटली मिल जाएगी। तो मैंने भी ऐसी वीडियो बनाई थी लेकिन लोगों ने उसका गलत मतलब निकाला। तो उन्होंने सबसे पहले वीडियो तो देख ली, वीडियो के अंदर क्या था, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्या था, वो उन्होंने शायद नहीं पढ़ा क्योंकि मैंने उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि इससे कोई ऐसा गलत मतलब ना निकाले, ये कोई राजनीतिक टॉपिक नहीं है। तो आयन जोकर का मैंने नाम इसी वजह से लिया कि यूट्यूब के अंदर और ज्यादा मुझे देख के या फिर मैंने भी किसी को देख के वीडियो बनाई थी और ज्यादा से ज्यादा YouTube फैमिली तक पहुंचे और वो जो है YouTube ऑफिस तक जाए कि चैनल हैक क्यों हुआ, क्या ऐसी कमी थी, क्या ऐसी चूक रही YouTube से। चैनल तो वापस आ गया लेकिन फ्यूचर में किसी के साथ ऐसा ना हो या फिर जो नए क्रिएटर्स है वो शायद डिमोटिवेट हो जाए यहाँ पे। हमें किसी को डिमोटिवेट नहीं करना है, हमें मोटिवेट करना है क्योंकि YouTube के अंदर सबको अपना टैलेंट दिखाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। यहाँ से अर्न करना बहुत ज्यादा मेहनत का काम है क्योंकि YouTube ऐसा बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है जहां से आप अर्न भी कर सकते हो लेकिन आपको अपनी मेहनत और अपना टैलेंट दिखाना होता है। तो मैंने भी उसी चीज को देखते हुए वीडियो बनाई तो लोगों के बहुत गलत कमेंट्स भी आए लेकिन उन्होंने शायद डिस्क्रिप्शन खोल के नहीं देखा किसने वीडियो क्यों बनाई, किस वजह से बनाई। शायद मैंने उसी वजह से बनाई थी, मेरा कोई गलत पर्पज नहीं था कि मैं आयन जोकर का या फिर फनकी जोकर का नाम लेके अपनी वीडियो को वायरल करूं। लेकिन वायरल कौन नहीं होना चाहता, सभी होना चाहते। जिसने फनकी जोकर का नाम किसी भी रूप में यूज कर लिया अपनी वीडियो के अंदर, वो वायरल हो गया। आप सिंपली देख सकते हो 1000 चैनल आपको मिल जाएंगे जो अभी रिसेंटली में क्रिएट हुए हैं फनकी जोकर के नाम से, कि मैं जोकर हूँ, मेरा नाम फनकी जोकर, आयन जोकर, आपको ऐसे बहुत से चैनल मिल जाएंगे। मेरे पास खुद एक कमेंट आया उसी वीडियो पे कि मेरा नाम आयन जोकर और मैं आपका जो है आप मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसा कुछ मेरे पास आया, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा। तो मेरा गलत मतलब नहीं था, वीडियो में आगे बने रहे और मैं आपको सारी सच्चाई, सारा फैक्ट उसके पीछे का बताऊंगा क्यों कुछ गलत कमेंट्स आए जिसने वीडियो तो देख ली लेकिन डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ा क्लियरली। तो फ्रेंड्स, मैं तो अपनी बात कहते हुए ये बताऊंगा कि जैसे मैंने वीडियो बनाया, मेरे जैसे पता नहीं कितने यूट्यूबर्स ने, कितने नए क्रिएटर्स ने यूट्यूब बना दिया फनकी जोकर के नाम से जिनके 1 मिलियन सब्सक्राइबर थे। और इसके पीछे की बात ये है कि शायद यूट्यूब के अंदर कोई ऐसा बग था जिसकी वजह से उनका चैनल हैक हुआ, नहीं तो जिसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर है शायद उसने अपनी सारी प्राइवेसी, सारी सिक्योरिटी ऑन कर रखी थी तो उनका चैनल हैक ही हुआ। शायद कहीं ना कहीं ये यूट्यूब की कमी थी, हमें ये आवाज बुलंद करनी थी और यूट्यूब तक पहुंचानी थी कि चैनल हैक क्यों हुआ, चैनल वापस तो आ चुका है। बहुत अच्छा लग रहा है आयन जोकर को भी और हम सब को भी कि हमारे पीछे कैसा प्रैंक चैनल है, काफी बड़ा चैनल है, इतनी मेहनत करते हैं वीडियोज के अंदर, जगह जगह उनको जाना होता है, वीडियो को एडिट करना होता है, प्रैंक चैनल बनाने में आपको पता है कितनी डिफिकल्टी जाती है। तो यही देखते हुए हमने ऐसा एक मुहिम चलाई कि सबको वीडियो बनानी है, हम कोई छोटा हो या बड़ा यूट्यूबर हो तो सब, आप देख सकते हो यूट्यूब के अंदर जैसे उनका चैनल हैक हुआ, पता नहीं कितने वीडियोस, कितने
यूट्यूबरों ने वीडियो बनाई थी, चैनल हैक हो चुका है, उसको रिकवर करना है, तो ये आवाज हमें पहुंचानी थी यूट्यूब तक कि किसी का नेक्स्ट फ्यूचर में ऐसा ना हो, चैनल डिलीट ना हो, सस्पेंड ना हो या फिर हैक ना हो। तो थोड़ी सी आपको जो है सिक्योरिटी अपने आप भी करनी है कि हमें चैनल हैक होने से खुद को बचाना है। टू स्टेप वेरिफिकेशन आपको करना है, सारी सिक्योरिटी अपने फोन के अंदर आपको कर लेनी है। जिसका बड़ा चैनल है या छोटा चैनल कोई भी है, मैटर नहीं करता, चैनल होना चाहिए, मेहनत आप लोगों की दिखनी चाहिए यूट्यूब के अंदर। तो मेरा भी उद्देश्य वीडियो बनाने का यही था कि आयन जोकर का जो चैनल है फनकी जोकर, वो वापिस आना चाहिए और वापिस आ भी चुका। शायद हम लोगों की वजह से भी कुछ बेनिफिट हुआ हो यूट्यूब को, जो उन्होंने उनका चैनल वापिस कर दिया, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी कमी रही होगी यूट्यूब की तरफ से कि उनका चैनल हैक हुआ। चैनल तो वापिस आ गया, सभी लोगों को खुशी है यूट्यूब फैमिली में, लेकिन नेक्स्ट फ्यूचर में किसी के साथ ऐसा ना हो। और जो मेरी वीडियो पे मुझे कुछ गलत कमेंट्स मिले, मैं आप लोगों को स्नैपशॉट दिखा सकता हूँ। खुद फनकी जोकर के नाम से मुझे कमेंट आया कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मेरा चैनल ये है, कुछ बड़ा कमेंट है, मैं आपको स्नैपशॉट में आपको दिखा दूंगा, वहां आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन जिसने फनकी जोकर का या एन जोकर का नाम यूज कर लिया, उनकी वीडियो वायरल हो चुकी है, आप क्लियरली देख सकते हो। रिसेंटली जितने भी चैनल, जितनी वीडियो यूट्यूब के अंदर अभी 10-15 दिनों के अंदर बनी हुई है, सभी की सभी वीडियो वायरल हो चुकी है एन जोकर, क्योंकि उनका नाम ही लेना सिर्फ टैग्स में, डिस्क्रिप्शन में या कहीं भी थंबनेल में उन्होंने अपना फोटो लगा दिया एन जोकर का या फनकी जोकर का, तो उनकी वीडियो वायरल हुई। और मैंने भी ऐसी वीडियो बनाई थी, शायद मेरा उद्देश्य ये था कि हमारे जैसे आदमी जो YouTube पे जो स्टार्टिंग कर रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा वीडियो क्रिएट करे, क्योंकि उनका चैनल वापस लाना था। बहुत से ऐसे चैनल है, मैं आप एक वीडियो नेक्स्ट ऐसी बनाऊंगा जिसपे 7 लाख सब्सक्राइबर, इतनी मेहनत, इतनी अच्छी वीडियो बंदा बनाता है, 14 स्ट्राइक फेक स्ट्राइक जो आपको देखने को मिलेंगे, और उनका चैनल सस्पेंड कर दिया यूट्यूब ने, और क्लियरली ये पता है कि हाँ वो फेक स्ट्राइक है, वो किसी जो है प्रोफेशनल बंदे ने स्ट्राइक नहीं दिया है। 7 लाख सब्सक्राइबर जिसके हो, इतनी मेहनत उसके पीछे हो YouTube में, और उसको 14 स्ट्राइक एक साथ मिले हो, उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। काफी मोटिवेशनल बंदा है, उसके लिए भी हमें हेल्प करनी है, आवाज उठानी है, ताकि किसी और के साथ ऐसा फेक चक्कर ना हो और चैनल बंद ना हो, क्योंकि वो बंदा बहुत परेशान है और उसके 7 लाख सब्सक्राइबर बिल्कुल जीरो हो चुके हैं। जो हमें आवाज उठानी, उसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा, शायद ही आप लोग उसको भी गलत समझे, लेकिन मेरा इस फनकी जोकर के रिगार्डिंग जो मैंने वीडियो बनाया वो मेरा गलत मतलब नहीं था। शायद हो सकता है लोगों को ये लगे कि भाई ये तो वायरल होना चाहता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, वायरल तो हर कोई होना चाहता है, लेकिन वायरल उस तरीके से हो कि बंदे का फायदा भी हो, बंदे का चैनल वापिस आ जाए। और हमारा उद्देश्य यही था कि आयन जोकर का चैनल वापिस आ जाए, और हमें कुछ नहीं चाहिए था, क्योंकि मैं ये देखता हूँ यूट्यूब के अंदर एक वीडियो अपलोड करने से लेकर एडिट करने तक, अपलोड करने तक बहुत ज्यादा मुश्किलें देखने को पड़ती है क्रिएटर को, और उसकी 1-2-3 साल की मेहनत जिसकी हो, और ऐसा चैनल प्रैंक चैनल हो जिसका जिसे जगह जगह जाना होता है, प्रैंक करना होता है लोगों के साथ, बहुत बड़ी गालियां भी सुननी होती है, बहुत बड़ी मुश्किलें देखनी होती है, उसका 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर और चैनल हैक हो जाए तो उसको कैसा लगेगा। तो हमने एक मुहिम चलाई कि हाँ चलो भाई सभी वीडियोज बनाते हैं, सभी वीडियोज क्रिएट करते हैं, और सभी ने बनाया भी, जैसे मैंने भी बनाया, अच्छा रेस्पॉन्स मिला वीडियो पे, अच्छा वॉच टाइम देखने को मिला, अच्छे जो है कमेंट्स भी मिले, गंदे भी अच्छे भी, हर तरीके के मुझे, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हमारा जो मैंने वीडियो बनाया, डिस्क्रिप्शन मैंने क्लियरली लिखा हुआ है कि मेरा इस वीडियो बनाने से ऐसा कोई मतलब नहीं है कि मैं पब्लिसिटी करना चाहता हूँ या फिर पॉलिटिक्स रिव्यू मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ। एक हमारे फ्रेंड है आयन जोकर, जिसके लिए हमने, बहुत बड़े यूट्यूबर है, प्रैंक चैनल है, तो हमने उसके लिए वीडियो बनाया कि यूट्यूब तक उसकी आवाज पहुंच सके, क्योंकि जिसके साथ 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हो वो तो यार दुखी होगा, ये सिंपली सी बात है। तो हम सभी का मतलब यही था कि उनका चैनल वापस आ जाए, चैनल वापस आ गया, हम उनको बहुत ज्यादा दिल से बधाई देना चाहते हैं, लेकिन वो अपनी सिक्योरिटी बना के रखे, नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो और फ्यूचर में किसी के साथ ऐसा ना हो। तो हमारा उद्देश्य यही था वीडियो बनाने का। तो फ्रेंड, जिसने भी कमेंट, जो 1-2 कमेंट डाले हैं, वैसे तो मैंने रिमूव कर दिए हैं, लेकिन फिर भी आप मेरी वीडियो अगर आप देख रहे हैं, आप देखोगे या फिर 2 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद 1 महीने बाद, तो आप क्लियरली आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं मेरा वीडियो बनाने का क्या मतलब था। हो सकता है 1-2 पॉइंट मैंने गलत बोल दिया हो, लेकिन सभी ने जो है फनकी जोकर के नाम से वीडियो बनाया, वो मकसद सिर्फ लोगों का यही था कि चैनल वापिस आ जाए, जिसकी इतनी मेहनत हो, 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हो, तो कौन नहीं चाहता यार उसकी हेल्प करना। यूट्यूब ऐसा इतना बड़ा परिवार है, तो सभी चाहते हैं कि किसी के साथ ऐसा ना हो, जिसकी इतनी मेहनत हो यूट्यूब के अंदर, तो बने रहे हमारे साथ।
तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि ये वीडियो दूसरों तक पहुंचे, उनकी भी हेल्प हो और वो अपनी सिक्योरिटी बढ़ा ले, ताकि किसी का चैनल हैक या सस्पेंड ना हो, अपनी सिक्योरिटी खुद अपने आप से भी रखे, सब यूट्यूब के ऊपर ना छोड़े कि यूट्यूब ही कर लेगा, लेकिन आपको भी अपनी मेहनत दिखानी है, अपनी थोड़ी सिक्योरिटी करनी है। वो आपको सिंपल सी आपको जो है पासवर्ड आप चेंज कर सकते हैं, अपनी ईमेल आईडी को आप सिक्योर कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जो हमारे चैनल पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाए और बने रहे हमारे साथ नेक्स्ट, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।